वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्रेशर पार्टी पे, जो जानते हैं कि कॉलेज में जब भी बच्चे आते हैं तो उसको दो ही मोमेंट ऐसे लगते हैं, जो फ्रेशर एंड फेयरवेल। तो आज देखते हैं, आगे हम दिखाएंगे आपको किस तरह से हमारे ये साथी सब, जो हम लोग एक साथ रहते हैं, ये लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि किस तरह से इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया जाए। आर यू रेडी फॉर दैट? तो ये कॉलेज की कैंपस जहाँ पे फ्रेशर की इब्तिदा हो चुकी है अंदर में, लेकिन हम लोग लेट चल रहे हैं। शायद कि यहाँ पे दो हजरत खड़े हैं, वो वेलकम के लिए ही खड़े हैं। तो देख लीजिए आप इन्हें भी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हम लोगों की वेलकम के लिए। और आप अपना नाम बता दो। प्रदीप आलम। और आप? मोहम्मद अली। तो हम लोग तो बहुत तैयार है, कितना तैयारी की है आपने? ये तैयारी आपको खुद ही प्रोग्राम में जाएगी। अच्छा, चलिए कैसी है? ओके अच्छा। अरे चलिए ठीक है, हम लोगों को भी तो बारी आएंगे ना। तो इस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ हैं जो वेलकम में देख सकते हैं, और आगे देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। ये छोटी सी बालकोनी से निकलते हुए हम और चलते हैं कि कैसा लगता है। तो शायद कि ये इस बिल्डिंग में पहली बार मैं चढ़ भी रहा हूँ। ये देखिए, पूरी से हरियाली में भरी पड़ी। ये सेरेमनी का है। ये मेरे भाई मासूम भाई बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, बज़्मेश शफक इस्तक़बालिया बाहमी तकरीब। मौलाना आज़ाद साहब तो ऐसे चमकते हैं। और यहाँ पे अभी मेहमान ख़ुसूसी नहीं आए हैं, और ये दो शायद कन्वीनर होंगे ना। तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से? आज के प्रोग्राम से, ये जो प्रोग्राम है, एक तरह का रिफ्रेशर प्रोग्राम है, जिसे हम लोग का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। इस ताल्लुक से जो है, क्या कहते हैं, कि एक दूसरे का जो जान पहचान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन ये जो है कोविड-19 की वजह से इस मरतबा भी हम लोग फर्स्ट टाइम मिलना हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस पैनल के लिए आपको दिख रहा होगा, इसका नाम रखा गया बज़्मे शफक और वेलकम एंड वेलकम प्रोग्राम। यानी कि बहुत दिनों के बाद आज हम लोग ये कोविड-19 दो सालों के बाद गेट टुगेदर प्रोग्राम। यस यस, और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बताएं। असल में जो लॉकडाउन जो हुआ, तो उसके बाद से बहुत सारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी वो हमारे दरमियान होना बंद हो गई, क्योंकि ऑनलाइन में वो जो मौाक़े जो होते हैं वो मौाक़े हम लोगों को फराहम नहीं हो रहे थे। तो समझिए कि जिस तरीके से अल्लामा इकबाल का शेर है, महीने वसल के घड़ियों में उड़ते जाते हैं, घड़ियाँ गुजरती है जुदाई की महीनों में, तो उसी तरीके से जब हम लोग एक साथ थे और एक साथ पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को उस चीज़ का की अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब हम लोग लॉकडाउन में गए और अपने रफ़ा से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से जब हम अलग हो गए, तो फिर हमको उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो हम लोग एक दूसरे के दरमियान जो एक काफ़ी फासला जो हो गया है, और हम एक दूसरे लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो वो भी एक समझिए कि दिल भरी एक दास्तान बन के रह गई थी। और सारे लोग कहीं ना कहीं किसी हालत में, दूसरे हालत में चले गए थे, जो समझिए कि बयान करने से मैं अभी कासिर हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएं कि आप किस, आप अपना नाम बता दें, और किस बी ए से है, बी एड से है या एम एड से? मेरा नाम मोहम्मद अफशारुद्दीन है, मैं एम एड फाइनल लास्ट ईयर का तालिबे। चूँकि मैं भी नया हूँ तो मैं, मुझे मालूम नहीं है सारी इसके लिए पढ़ दूँ। और ये हमारी पूरी जमात पीछे देख सकते हैं, जो अपनी अपनी मेहनत के लगन के साथ काम कर रहे हैं, उनकी सारी सेल्फी के साथ है। और जब आएंगे बड़े हजरात तो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रॉफ़ी जो इस्तकबालिया में बच्चों को दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो एक मोमेंट, जो सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है किसी भी तलबा के लिए, कि उसके असातिज़ा कराम उनके प्रोग्राम में आते हो, ख्वाह वो फ्रेशर हो, ख्वाह वो फेयरवेल हो, या फिर जो भी उनके मोमेंट हो उसमें आते हैं, तो वो एक बहुत बड़े यादगार मोमेंट होते हैं। तो आप देखिए हमारे असातिज़ा की जमात स्टेज पर जलवा। इस्तकबालिया प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में मुश्फिको मेहरबान, हमारे साथी एमएड और बीएड सेकेंड सेमेस्टर के तलबा और तालिबात, और हमारे नौजवान साथी सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम किया जाता है और सलाम किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हिम्मत कर पा रहा हूँ और बोलने जा रहा हूँ, ये हमारे एहसास-ए करम का करम है, नवाजिश है। आज का ये बज़्म बहुत ही खास है, और इस बज़्म-ए-शफ़क़ में
मैं आपका होस्ट और दोस्त साकिब आप तमाम का समीमे कल्ब से इस्तकबाल करता हूँ, और आप तमाम मुअल्लिम जितने भी हमारे मुअल्लिम हैं और ज़ेर तरबियत मुअल्लिम आप सब की शमूलियत के साथ, शमूलियत है यस हाँ या ना में जवाब दीजिए, आप तमाम की शमूलियत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, पहुंचूंगा सहने बाग में शबनम रुतों के साथ, पहुंचूंगा सहने बाग में शबनम रुतों के साथ, सूखे हुए फूलों में अरक छोड़ जाऊंगा, हर्सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तेहार, हर्सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तेहार, हर्सू मोहब्बतों के सबक छोड़ जाऊंगा। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज हो चुका है, मजीद कुछ सुनने और सुनाने से कब मैं उस मालिक हकीकी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इंसान को इल्म तहकीक की सलाहियत अता की, और सबसे खास सबसे अहम बात कि उन्हें अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया। हमारे इस्लाम की ये रवायत रही है कि जब भी किसी प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो सबसे पहले हमारे भी हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जब भी किसी प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो सलावते कलामे पाक से आगाज किया जाता है। इसके लिए मैं एमएड सेमेस्टर 2 के तलबा नौवान सुलेमानी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तलावते कलामे पाक से हमारे दिलों को मुनव्वरों में जल्ला फरमाएं। उनके आने से कब मैं इतना कहूँगा कि खुदावंद का मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद व इस्तेआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद व इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ।